खाटू श्याम जी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीकर जिले के खाटू श्याम जी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा श्याम के मेले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, श्याम बाबा का वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेला आयोजित होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें इस बात का निर्णय किया गया है कोविड टेस्ट नेगेटिव होने पर ही बाबा श्याम के दर्शन होंगे। प्रत्येक श्याम भक्त को कोविड 19 टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। मेले में कोविड 19 गाइडलाइन की पालना की जाएगी। मेले में भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दर्शन हो पाएंगे। तो वहीं मेले के दौरान भंडारों पर पाबंदी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भक्तों के आस्था का केंद्र श्यामकुंड इस मेले के दौरान बंद रहेगा। खाटू श्याम जी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला आयोजित होगा। कुछ दिन पहले प्रशासन ने मेले पर रोक लगा दी थी, लेकिन एक बार फिर से कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि बाबा श्याम का वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेला आयोजित होगा। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें इस बात का निर्णय लिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है खाटू श्याम जी से हमारे संवाददाता विकास सोनी। विकास, क्या कुछ अपडेट है? पहले खबर आई थी कि मेला नहीं भरेगा, पहली बार ऐसा होगा कि जब मेला नहीं भरेगा, लेकिन अब कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई है और निर्णय लिया गया है कि मेला भरेगा। आशीष, मैं आपको बता दूं कि श्याम बाबा के जो भी भक्त स्वयं सेवी संगठन थे, उन्होंने लगातार प्रेशर बनाया था, राज्य सरकार पर भी दबाव बनाया था कि खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होना चाहिए। जब कुंभ का मेला भर रहा है, उर्स अजमेर में आयोजित हो रहा है, तो खाटू श्याम जी का मेला भी होना चाहिए। इसके बाद जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और बैठक में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मेला भराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जो भी श्रद्धालु खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए आएंगे, उनको कोरोना की जांच करवाकर अनिवार्य रूप से आना पड़ेगा, उसके बाद ही उनको दर्शन हो पाएंगे। जी बिल्कुल विकास, यहाँ पर अहम बात यह है कि लक्खी मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, क्या लिमिट तय की गई है पर डे कितने लोग दर्शन कर सकेंगे, क्या व्यवस्था रहेगी, कुछ जानकारी निकल करके आई है सामने? हाँ, इनमें सभी भक्तों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अनुसार दर्शन करवाने होंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री श्याम मंदिर कमेटी बैठकर निर्णय करेगी, उसके बाद में जो प्रतिदिन जो दर्शनों की संख्या होगी वो तय की जाएगी। बिल्कुल, अंतिम जानकारी आपसे चाहूंगा, मेले के दौरान जागरण होते थे और इसके अलावा भंडारों पे रोक लगा दी गई है, तो जागरण आदि पे भी रोक रहेगी, वहां पे लोग रुक सकेंगे या फिर केवल दर्शन करने के बाद खाटू श्याम जी को छोड़ना पड़ेगा? जिला प्रशासन ये तय कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी भक्तों को दर्शन कराने के बाद खाटू श्याम जी से अपने गंतव्य के लिए जाना पड़ेगा। खाटू श्याम जी में जो भी भंडारे होते हैं, जो अस्थायी दुकानें लगती है, श्याम कुंड में जहां भीड़ होती है, उन स्थानों को इस बार बंद रखने का निर्णय लिया जा रहा है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे खाटू श्याम जी संवाददाता विकास सोनी, जिन्होंने जानकारी दी है प्रशासन ने नई गाइडलाइन के तहत फाल्गुनी लक्खी मेला आयोजित करवाने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, इस बैठक में तय किया गया कि कोविड 19 टेस्ट करवाना होगा, टेस्ट नेगेटिव आया तो इसके बाद बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे।